लीजिए अब जी आपके सामने हनुमान चालीसा हुआ लीजिए, सुंदरकांड प्रारंभ हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राइज ऑफ जर्नी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ओरछा शहर के साथ सबसे प्रमुख घूमने की जगह के बारे में बताने वाले हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो देखकर पता चल जाएगा कि ओरछा में घूमने की 7 प्रमुख जगह कौन सी हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ओरछा की सबसे प्रमुख 7 घूमने की जगह। नंबर 7, ओरछा की बेतवा नदी। दोस्तों ये ओरछा की सबसे शांत और सुकून भरी जगह है, तो आप जब भी ओरछा आते हैं तो बेतवा नदी के किनारे जरूर आइए। यहाँ पर बहुत सारे लोग स्नान करने के लिए आते रहते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में आ सकते हैं। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की पूजनीय नदी है। इस नदी का उल्लेख महाभारत में सुनने को मिलता है। महाभारत काल में बेतवा नदी को वेत्रावती नदी के नाम से जाना जाता था। ये नदी यमुना नदी की सहायक नदियों में से एक है और इस नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल की पर्वतमाला के मध्य में स्थित है। नंबर 6, ओरछा की रॉयल छत्रियां, जो कि ओरछा के सभी राजाओं की शाही समाधियां हैं। ये शाही छत्रियां 17वीं और 18वीं सदी में बनाई गई थी। यहां पर कुल 14 छत्रियां हैं जो अलग अलग काल के राजाओं के लिए अलग अलग समय में बनाई गई थी। देखने में सभी छत्रियां आपको एक जैसी लग रही होंगी, लेकिन सभी छत्रियों की अलग अलग खासियत है। जब आप कंचना घाट पर पहुंचेंगे तो यहां पर बोटिंग और राफ्टिंग भी होती है। अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो आपको 100 रुपए देने होंगे, अगर आप राफ्टिंग करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपए देने होंगे। नंबर 5, शीश महल ओरछा फोर्ट। शीश महल ओरछा का एक पैलेस था जिसको अभी होटल में बदल दिया गया है। नंबर 4, ओरछा के किले के अंदर बना हुआ राजा महल। ओरछा के राजा रुद्र प्रताप सिंह, जो कि ओरछा से 50 किलोमीटर दूर गढ़कुंडार में रहते थे, एक दिन वो गढ़कुंडार से ओरछा शिकार के लिए आए तो उनको ओरछा बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तब उन्होंने ओरछा में ही महल बनाने का सोचा, क्योंकि ओरछा में बेतवा नदी बहती थी और चारों तरफ ओरछा जंगलों से घिरा था। इसी वजह से उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ओरछा में बसने का फैसला लिया। दोस्तों इस किले को बने लगभग 500 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये किला उतना ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। नंबर 3, ओरछा के किले के अंदर बना हुआ जहांगीर महल। बुंदेला राजा वीर सिंह जूदेव और अयास मुगल बादशाह जहांगीर की दोस्ती पूरे बुंदेलखंड में चर्चित थी। बुंदेला राजा ने जहांगीर के लिए इस खूबसूरत महल का निर्माण करवाया था जिसमें 236 कमरे हैं। इस महल में जहांगीर सिर्फ एक रात रुका था। इस महल का निर्माण 1605 में शुरू हुआ था, जो कि 1612 में बनकर तैयार हुआ था। इस महल में 100 कमरे बेसमेंट में बनाए गए थे, जो कि यहाँ के सैनिकों और नौकरों के लिए थे। 100 कमरे इसकी पहली मंजिल पर बनाए गए थे और 36 कमरे ऊपर की तरफ। इस महल का निर्माण राजपूत शैली में किया गया है। दोस्तों ये ओरछा का सबसे खूबसूरत महल माना जाता है, तो जब भी आप ओरछा आते हैं तो ओरछा के जहांगीर महल में विजिट जरूर करें। जब आप इस महल के सबसे ऊपर वाली छत पर जाएंगे तो आपको ओरछा शहर का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। जहांगीर महल की छत पर खड़े होकर आप सामने राम राजा मंदिर और चतुर्भुज मंदिर देख सकते हैं। नंबर 2, ओरछा का बहुत ही भव्य और किले की तरह बना हुआ चतुर्भुज मंदिर।
ओरछा का चतुर्भुज मंदिर बिल्कुल किसी किले की तरह बना हुआ है, जो कि भगवान राम के लिए बनाया गया था। इस मंदिर को ओरछा के राजा मधुकर शाह ने अपनी पत्नी गणेशी बाई के कहने पर बनवाया था, जो कि अयोध्या से भगवान राम की बाल स्वरूप की प्रतिमा को लेकर आ रही थी। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और राधा जी विराजमान हैं। रानी गणेशी बाई यहाँ पर भगवान राम को विराजमान करना चाहती थी, लेकिन रानी ने कुछ समय के लिए जहाँ पर राम राजा मंदिर बना है वहीं पर राम जी के बाल स्वरूप की प्रतिमा को रख दिया था। तब से वो प्रतिमा वहीं पर स्थापित हो गई और ओरछा के इस चतुर्भुज मंदिर में नहीं स्थापित हो पाई। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट भी आते रहते हैं। ओरछा एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है, इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते रहते हैं। नंबर 1, ओरछा का सबसे प्रसिद्ध स्थान और सबसे प्रसिद्ध मंदिर रामराजा मंदिर। जब भगवान को वो लेके आई तो राजा को आदेश दिया, संदेश पहुंचाया कि भगवान के लिए एक मंदिर बनवाओ। उन्हें फिर मंदिर बनवाया। फिर भगवान को लेके जब आई तो रानी ने रसोई घर में उन्हें विराजमान करा दिया। जब भगवान को विराजमान करा दिया, भूल गई वो और बस विराजमान करा दिया, तो भगवान बैठ गए, फिर उठे नहीं वहां से। तो जो मंदिर बनवाया, ये भगवान राम जी के लिए बना था। अगर आप ओरछा आ रहे हैं घूमने के लिए तो आपको झांसी का किला जरूर घूमना चाहिए, क्योंकि झांसी ओरछा से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो आप झांसी का किला भी जरूर विजिट करें। सन 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की सेना और अंग्रेज सैनिकों के बीच में इस जगह पर युद्ध हुआ था। जब अंग्रेज सैनिकों ने इस किले को चारों तरफ से घेर लिया था, तब रानी लक्ष्मीबाई इस किले की सबसे ऊपर वाली छत से अपने घोड़े बादल सहित नीचे कूद गई थी। हमारे सामने आप जो इमारत देख रहे हैं, ये इमारत अंग्रेजों ने बनवाई थी। जब उनका झांसी के किले पर कब्जा हो गया था, उसके बाद वो अपने यहाँ पर सैनिक तैनात रखते थे, जो कि यहाँ पर खड़े होकर पूरे किले की निगरानी करते थे। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो कि ओरछा घूमने के लिए आ रहे हैं, जिससे उनको ये वीडियो देखने के बाद पता चल जाए कि ओरछा में घूमने के लिए कहां कहां पर जाना चाहिए। दोस्तों, ये था हमारी ओरछा सीरीज का सबसे आखिरी वीडियो। मिलते हैं आप सभी से किसी नए शहर में किसी नए वीडियो के साथ।